अध्याय बामन तीर्थ स्थल नैमी श्रायण में किसी समय एकत्र हुए आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करता हुआ पापों की कठिनी के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुनर्लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उन मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप भी उसे चिंता मुक्त हो कर सुने। महर्षि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न योनि लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देख कर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और चार भुजा वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्व श्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालन हार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति यौ श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी
कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न एवं सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इत प्रथम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको कुछ निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांग कर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देख कर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांग कर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन नहीं हो ना होने के कारण मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की बरखा होगी। ब्राह्मणों को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान की बरखा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुना रहा हूँ जिसने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बंधुआएं और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से
बूढ़ा लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्टर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे सब बातें बताएं। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बंधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक मूल मिले। लकड़हारे ने उस रुपए से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीद कर घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान की बरखा होने लगी, उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। राजा रहा करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम
हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद को लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्का मुख ने मुझे बताया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसे निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यतीत हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगर में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बणिक पुत्र को देखा। बणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने बड़े पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा।
एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपने माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही दोनों को छोड़ मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए ही कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इत तृतीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्न सागपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा,
हे बणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे बैस, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु स्वरूपी सत्यनारायण भगवान कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्र भरे हुए देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उसी दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर वह उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु स्वरूप के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूपी सत्यनारायण भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा कर दो, क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करूंगा, आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसकी सभी उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने शोकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती ने कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना, कलावती करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान
क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण ही सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव भी जल के ऊपर आ सकेगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करने करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौट कर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बंधुओं के साथ मिलकर उसी विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चले गया। इति चतुर्थम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाया और शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार कर किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उसे छोटे लोग समझकर प्रसाद नहीं ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज, आपने आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।
राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत में राजा तुंगज ध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा पूजन जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह से सुख प्राप्त हुए। सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। उन्होंने व्यापारी मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगजध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करते धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्र भी उसे मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इस पंचम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल।